अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग नेम आर्ट स्टेटस के बारे में, जो कि आपने सिंपल वीडियो में देखा। तो अगर आप इस तरह के जो है वो ट्रेंडिंग नेम आर्ट स्टेटस बनाना चाहते हैं तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, शुरू से एंड तक देखना है। तो चलें शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है ये हार्ट नेम आर्ट का। तो दोस्तों बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको बताऊंगा, आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है। दोस्तों बेसिकली ये स्टेटस 5 सेकंड का है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में जा रहा है, रील वायरल हो रही हैं। अगर आप भी जो है इस पर अपनी वीडियो बनाते हैं तो 100% चांस है कि आपकी वीडियो वायरल होगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर दफा आएँ तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले लाइट मोशन को ओपन कर लेना है। लाइट मोशन को ओपन करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, दोस्तों अगर आपके पास लाइट मोशन नहीं है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके ऑल मटेरियल के साथ इसका लिंक मैं दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने प्लस पर टाइप करना है, 1x1 वेरिएशन सेलेक्ट करके अपने क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, प्लस पे टैप करना है इमेज एंड वीडियो में आके। तो ये हमारे पास एक पिक्स है हार्ट वाली, आपने इसको ऐड कर लेना है। दोस्तों आपको तमाम मटेरियल जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारी पिक्स कुछ इस तरह से शो कर रही है। तो अभी आपने क्या करना है, प्लस पे टैप करना है। प्लस पे टैप करने के बाद आपने जो है सॉन्ग ऐड कर लेना है। तो मेरे पास वीडियो की सूरत में मैं वीडियो में स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, अपनी वीडियो को आपने डिलीट कर देना है और अपने जो है एंड पॉइंट पे आके अपनी पिक्स को बढ़ा के अपने स्टेटस के एंड तक कर लेना है। तो दोस्तों इतना करने के बाद अब आपने क्या करना है, पिक्स पे टैप करना है, मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में आके थर्ड वाला आइकन है इस पर क्लिक करके अपनी पिक्स को ऐसे बढ़ा लेना है। तो दोस्तों आपने इसको जो है वो अपने हिसाब से चेक कर लेना है। तो मैं इसको जो है वो इतना रख लेता हूँ। इतना करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि चेक कर लेना है और आपने इधर आके इधर और इसको इधर से ट्रिम कर लेना है। ट्रिम करने के बाद दोस्तों ये कुछ इस तरह से शो करेगा। उसके बाद अभी आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि 4x6 पे आके 4x6 पे रख के आपने क्या करना है, इधर मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में आ जाना है। मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में आने के बाद आपने थर्ड वाला आइकन स्लाइड कर लेना है और एक प्लस की इधर लगा देनी है और आपने एंड पे आके एक प्लस की लगा के तो आपने इसको डाउन कर लेना है। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैं इसको इतना डाउन कर लेता हूँ। डाउन करने के बाद तो आपने कर्व में आ जाना है, आपने सेंटर में कर लेना है। सेंटर में कर्व में करने के बाद आपने इसको नीचे कर्व ऐसे दे देना है। तो इतना करने के बाद दोस्तों ये कुछ इस तरह से शो करेगा। तो दोस्तों इतना करने के बाद आपने क्या करना है कि दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें ये इफेक्ट लग चुका है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से शो हो रहा है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने प्लस पे टाइप करना है। प्लस पे टाइप करने के बाद आपने टेक्स्ट में आके अपना कोई सा भी जो लेटर आप लिखना चाहते हैं, तो मैं इधर जो है वो ए लिख लेता हूँ। ए लिखने के बाद आपने इसको सेंटर अलाइन कर लेना है। ऐसे सेंटर अलाइन करने के बाद आपने फॉन्ट में आ जाना है और ये वाला फॉन्ट है दोस्तों, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसको आपने ऐसे बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद आपने कलर जो है वो वाइट कलर कर लेना है। तो इतना करने के बाद दोस्तों आपने इसको ओके करके आपने मूवमेंट स्वरम में आ जाना है और इसको आपने ऐसे बढ़ा के थोड़ा सा बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद आपने इसको ऐसे सेंटर में कर लेना है। तो इतना करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि इस पे टैप करके आपने इधर ले आना है और इसको बढ़ा के आपने इतना कर लेना। इतना करने के बाद अभी आपने जो है वो इसको इधर से ऐसे ट्रिम कर लेना है। तो इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करके और इसको सिलेक्ट करके आपने ग्रुप कर लेना है। तो ग्रुप करने के बाद दोस्तों ये कुछ इस तरह शो होगा। तो अभी आपने क्या करना है, आपने इस पर टैप करना है, मूवमेंट स्वरम में आके तो आपने थर्ड वाला आइकन इस पर सिलेक्ट करके प्लस की तो लगा देनी है और सॉरी दोस्तों, और इसको थोड़ा सा ऐसे आपने आगे कर लेना है। आगे करने के बाद आपने 4x20 या 4x21 पे रखे तो आपने एक प्लस की इधर लगा के तो आपने इसको ऐसे थोड़ा सा बढ़ा लेना है। तो मैं इसको इतना कर लेता हूँ, 1700 पे मैं इसको कर लेता हूँ। तो इतना करने के बाद दोस्तों ये कुछ इस तरह से शो होगा, आप देख सकते हैं।
तो उसके बाद अभी आपने क्या करना है कि आपने इस पे टैप करके इफ़ेक्ट में आके, ऐड इफ़ेक्ट में आके, तो दोस्तों आपने सर्च कर लेना है मोशन ब्लर। ये हमारे पास इफ़ेक्ट है मोशन ब्लर वाला, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने बढ़ा के इसको 2 पे कर लेना है। तो इतना करने के बाद आपने बैक कर लेना है दोबारा फिर इफ़ेक्ट में आके, तो ऐड इफ़ेक्ट में आके, तो उसके बाद आपने क्या करना है मूव में आके, और ये हमारे पास एक और इफ़ेक्ट है तो आपने इसको ऐड कर लेना है। इसको ऐड करने के बाद आपने स्टैंडर्ड पे क्लिक कर देना है। स्टैंडर्ड पे करने के बाद आपने इधर टैप करके इसको जो है वो एंगल आपने 90 डिग्री कर लेना है। 90 डिग्री करने के बाद दोस्तों आपने जो है इसको आपने कम करके 0.30 कर लेना है। आपने ऐसे इसको कम करके इसको फ्रिक्वेंसी है आपने 0.30 कर लेना है। इतना करने के बाद आपने इसका जो है मैग्नीट्यूड जो है वो आपने 10 कर लेना है। तो इसको दोस्तों 10 कर लेते हैं। इतना करने के बाद आपने इसको बैक कर लेना है। तो बैक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से शो करेगा। तो मैं आपको एक दफ़ा प्ले करके चेक करा देता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों एक तो ये होगा कि आप ऐसे सिंपल में बना सकते हैं दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप इसको जो है यू शिफ्ट देके इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो कि मैं आपने सिंपल वीडियो में देखा। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बनाना चाहते हैं। तो अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपने इस पर टाइप करना है इफेक्ट एंड इफेक्ट में आगे, ऐड इफेक्ट में आगे, तो आपने सर्च कर लेना है, आपको मिल जाएगा कलर में, कलर एंड लाइट में आगे, और ये हमारे पास इफेक्ट है यू शिफ्ट। तो आपने इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे रख के ओके कर लेना है, और आपने इधर स्टार्टिंग पे आके एक प्लस की लगा देनी है और एंड पे आके एक प्लस की लगा के तो आपने इसको बढ़ा लेना है। बढ़ा के आपने अपने हिसाब से दोस्तों चेक कर लेना है। मैं इसको 1x कर लेता हूँ, तो अभी आपको मैं चेक करा देता हूँ ये कुछ इस तरह से शो करेगा। तो दोस्तों वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बनाना चाहते हैं। तो उसके बाद अभी आपने क्या करना है कि आपने जो वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो आपने इसका जो है वीडियो को फुल क्वालिटी, वीडियो फ्रेम रेट आपने 4 रख के और क्वालिटी फुल हाई करके तो आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। अगर चैनल पर पहले दोस्तों हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।